भाजपा द्वारा शुरू किए गए जनसंपर्क अभियान के तहत बड़सर भाजपा कार्यकर्ता व पूर्व विधायक बलदेव शर्मा द्वारा गांव गांव घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के चलते लोगों को प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों और केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में अवगत करवाया जा रहा है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने बताया कि जनसंपर्क अभियान के चलते पिछले कई दिनों से हर पंचायत व घर में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनता को प्रदेश सरकार की नाकामियों को बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भेदभाव की राजनीति की है और विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ है। गौरतलब है कि चुनावों के नजदीक आते ही दोनों पार्टियों के नेताओं ने कदम ताल करना शुरू कर दिया है और लोगों से मिलकर अपनी सक्रियता को दर्शाया जा रहा है। इसी के चलते भाजपा ने भी जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। आज लगातार हम 40-45 दिन से जनसंपर्क अभियान में हर पंचायत में हर गांव में जा रहे हैं और हर घर में दस्तक दे रहे हैं। मंडल के साथ मंडल के अध्यक्ष महामंत्री पूरी टीम महिला मोर्चा युवा मोर्चा और जिस गांव में भी हम जा रहे हैं 15 साल जो हमने काम किया और 10 साल जब धूमर साहब ने यहां विकास किया उनको भी जनता को उजागर कर रहे हैं। और केंद्र की जो आदरणीय मोदी साहब की सरकार है जिन्होंने 3 साल में हिमाचल को 1,00,000 करोड़ रूपये दिया वो चर्चा भी जनता में हम कर रहे हैं। एक अपील भी दे रहे हैं और सेंटर की जो काम हुआ है और हिमाचल की निकम्मी बस चोर डकैत सरकार जिसका मुखिया खुद चोर है और जमानत पे है उन बातों लेके जनता में हम जा रहे हैं। जहां मोदी साहब ने 1,00,000 करोड़ रुपया हिमाचल को दिया 60,000 करोड़ रुपया सड़कों के लिए 70 साल में 4 नेशनल हाईवे दिए कांग्रेस ने मोदी साहब ने 3 साल में 63 नेशनल हाईवे 3 फोर लेन दिए। यहाँ की निकम्मी भ्रष्ट सरकार डीपीआर भी नहीं बना रही है और डीपीआर के लिए भी पैसा का मेरे पास नहीं है। फिर आदरणीय मोदी साहब ने 230 करोड़ रुपया डीपीआर के लिए भेजा ये भी काम नहीं हुआ। 4 मेडिकल कॉलेज 3 साल में दिए मोदी साहब ने और कांग्रेस ने 70 साल में 2 मेडिकल कॉलेज 6 यूनिवर्सिटी एम बिलासपुर में मिनी पीजीआई ऊना में ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन के लिए करोड़ रुपये दिए भाई अनुराग के कथनों से। अब रेलवे लाइन हम पर आएगी जहाँ हम गांव गांव जा रहे हैं। यहाँ का जो बस का विधायक है हमने आरटीए में पूछा कि 5 साल में बस्तर विधानसभा क्षेत्र में कितनी योजना आपने बजट में डाली कितने की डीपीआर बनाई कितने का पैसा सैंक्शन किया कितने का उद्घाटन शिलान्यास किया और कितनी स्कीमें केंद्र को भेजी तो आप सुनकर हैरान हो गए। आज 5 साल में एक भी काम बस्तर विधानसभा क्षेत्र का विधायक लाके के लिए लाया कुछ नहीं। उल्टा बस्तर का हॉस्पिटल जो धूमर साहब ने इसको अपग्रेड किया था 5 करोड़ भवन बनाने के लिए था वो वापस चला गया। अधूरी बिल्डिंग का उद्घाटन भी कर दिया और हॉस्पिटल जो सीएससी से एफआर बनाया था धूमर साहब ने उसका रुतबा भी आके नीचे कर दिया। डॉक्टर आज एक भी डॉक्टर बस्तर में नहीं पता कर सकते आप जो कालिया है वो बीएमओ बन गया। लड़की एक डॉक्टर थी वहाँ कनौर से उस स्टडी करने पीजीआई चली गई। 1 करोड़ बस स्टैंड के लिए दिया वो पैसा वापस चला गया। मिनी स्टॉय के लिए 1 करोड़ दिया वो वापस चला गया।